का दिन भारतीय सिनेमा जगत के साथ साथ भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखने वाले मजबूती देने वाली संस्था है बॉम्बे टॉकीज के लिए ऐतिहासिक दिन है। 85वां साल आज तो 85 ईयर ओल्ड कंपनी हो चुकी है, यानी देखा जाए तो अभी जवान कंपनी है। और 1934 में द बाउंड स्टूडियोज ग्रुप में से शुरुआत हुई, बाद में बाउंड पिक्चर बना, लेबोरेटरी बना और द बाउंड लिमिटेड ग्रुप में एक कार्य करने की बुनियाद बनना था, बाउंड टॉकीज स्थापित किया। और सैकड़ों फिल्म करने के बाद जो 40 से 50 सालों का जो उसका गैप था, उस गैप को राष्ट्रपुत्रा ग्रुप में हमने भरा और एक खुशी की बात है कि हम एक सम्मान के साथ वापसी की और राष्ट्रपुत्रा को सम्मान भारत में मिला, कांस के में फिल्म फेस्टिवल के रूप में मिला। अब हम उसकी अगली श्रृंखला में जा रहे हैं जो अहम ब्रह्मास्त्र के रूप में उसको लेके आ रहे हैं। हम भारतीय इतिहास की पहली मुख्य धारा की संस्कृत फिल्म अहम ब्रह्मास्त्र जो उसको लेके आ रहे हैं हम लोग जुलाई के आखिर में या सप्टेम्बर या तो अगस्त के आसपास रिलीज़ करेंगे हम लोग। और हम जिस बुनियाद को लेकर बैठे हैं आज की तारीख में, भारत देखा जाए कि जो बॉम्बे टॉकीज के फाउंडरों ने, संस्थापकों ने जो काम किया उस युग में, उसी परंपरा को आगे लेके हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने जिस जमाने में अछूत कन्या, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत जैसी से महल जैसी सैकड़ों फिल्में बनाई, वही परंपरा हम आज ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज़ाद के व्यक्तित्व पर राष्ट्रपुत्रा लेके आए हैं और संस्कृत जो देवभाषा है, जो सारी भाषाओं की जननी है, जो मृत प्राय है, हजारों साल की गुलामी के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से हमारी देवभाषा संस्कृत को हुआ, सभ्यता तो हिली, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए हमने अहम ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया। उस दौर में जब कंपनी शुरू हुई तो विचार ये थे कि राजनारायण दुबे का जनरल कंपनी बनाई, हिमांशु राय देव गाणिक साहब मिलकर, प्लस कई और सर फिर शेडना से दिनसा पटेल थे, कई और लोग थे, मिलकर कंपनी को बनाया। कंपनी की बुनियाद उस वक्त दी थी भारतीयता, भारत की पहचान, उसका कल्चर था दुनिया कोने कोने पहुँचा, जो थॉट था। उन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई अछूत कन्या, हो उस दरमियान जो ब्राह्मण लड़का और बैकवर्ड लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित अछूत कन्या, उसे बंधन, झूला, कंगन, पहली देशभक्त से उत्पन्न पिक्चर थी किस्मत, जो अपने जमाने के सुपर शोले ने उसका रिकॉर्ड भले तोड़ा हो लेकिन आज भी किस्मत फिल्म देखो जिसमें गाना है दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जो आज़ादी की लड़ाई की बुनियाद बनी। सुभाष चंद्र बोस के ने उसके लिए पत्र लिख के धन्यवाद दिया था कि आपकी वजह से पूरे देश में एक ऊर्जा का, नए ऊर्जा आज़ादी के लिए एक नए ऊर्जा का निर्माण किया आपने, उद्भव किया। इस बात की कई चीज़ें थी इसकी वजह से बॉम्बे टॉकीज ने अपने आप में उस काल में 70 साल 80 साल पहले अपने आप को स्थापित किया। कई अशोक कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार, मधुबाला, सज्जन मुखर्जी, एक से एक महान महान लोगों की विभूतियाँ उन्होंने हर क्षेत्र में दी फिल्म की और नई परंपरा डाली। आज 60-70 साल पहले की बात है, आज लगता है जैसे कल की बात कर रहे हैं हम लोग। वापस से उसी परंपरा का पालन करने के लिए हम लोग, हमने बॉम्बे टॉकीज को स्थापित किया, उसके माध्यम से शेर आज़ाद की व्यक्तित्व में हम राष्ट्रपुत्रा बनाई और जाहिर है देखिए नहीं आप सब प्रेम कहाँ से ले जाना, जो सम्मान मिलना आप संस्कृत के रूप में आइए लेके आई रहे, चाहे भगत सिंह लेकिन दुनिया बनगी, लेकिन राष्ट्रपुत्र पहली फिल्म थी जो कांस में दिखाई गई। उनको अच्छा लगा, कल्चर अच्छा लगा, थॉट अच्छा लगा और पिक्चर देख के उनको प्रोत्साहन मिला गया है। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आज की तारीख में लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत में, क्या शोध की ज़रूरत है, कखा गवर हंगा अच्छा था, इसमें शोध करना है। आप शोध भी कर रहे हो कमरे के अंदर है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग शोध कर रहे हैं, बड़ी संस्थाएँ शोध कर रही हैं, उसको सरलीकरण करके लोगों के बीच में लाओ। जब तक इंग्लिश न आने लोग अफसोस प्रकट करते हैं, लेकिन संस्कृत न्याय में कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं है। सत्यनारायण कथा लोग सुनते हैं, घर के अंदर पंडित आया, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने कार्यक्रम होते हैं वो लोग वहाँ बैठ कर सुनते हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये सामान्य सी है। तो आज का जब आप कोई काम करोगे लोग तो थ्रो करोगे, लोग उसको लेके बीच में जाओगे, उसके बाद ही जाहिर है लोग उत्सुकता बनेगी। और मैं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आने वाले में कई लोग पैदा होंगे इस रास्ते पर चलेंगे। दिन तो बहुत ऐतिहासिक दिन है कि 85वां साल बॉम्बे टॉकीज का है, जिसने भारतीय सिनेमा को खड़ा किया। और बॉम्बे टॉकीज ना होता, राजनारायण दुबे ना होते, तो ना हमारी स्थिति आज की तारीख में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी हाल होती। उन्होंने नए नए प्रयोग किए, सारे सुझाए की, पहले स्टूडियो स्थापित किया, इसका नतीजा था कि आज हम लोग बैठे हैं कि आज बॉलीवुड के रूप में हम लोग हिंदी सिनेमा एक मजबूत स्थान विश्व सिनेमा में हासिल कर चुका है।